अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइज़। यहाँ पे आज हम जो है, आप लोग देख रहे हैं क्या है, तो ये मेरे ज्वेलरी बॉक्स और मैं, ये बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, मैंने सोचा इसको सही कर लेता हूँ और इसमें मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखा दूँगी। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं हमारे इसमें क्या क्या रखा हुआ है। यस, ओह माय गॉड, ये है मेरा बैंगल जो मुझे बहुत पसंद है और आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा। ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ किया था, इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा बैंगल दिखाती हूँ। फ़िलहाल हम अपने एयररिंग्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो ये देखे, मैंने कभी कभी ना किस किस चीज़ों में मैं अपनी सारी चीज़ें रख देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर ये देखे, मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब ज्वेलरी की बात होती है। तो मैं गाइज़ यहाँ एक ये देखें ये खूबसूरत सी झुमकियाँ हैं, ठीक है। ये हम यहाँ यहाँ रखते हैं। उसके साथ ये हमारे पास जो है ये खूबसूरत सा इसका नेकलेस, विच इज़ मेरे वेरी नाइस और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे ये रख देते हैं। और दूसरा अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखें मेटल में मेरी ज्वेलरी है, बड़ी खूबसूरत सी। सो गाइस इसका भी इसको तुम यहाँ पर ना, मेरी भतीजी मुझे तंग करने के लिए आ गई है और देख सकते हैं आप इनके, ज़ारा व्हाट यू डूइंग। अच्छा जी, तो गाइस यहाँ पर हम दूसरी भी देख लेते हैं, हमारी ज्वेलरी कहाँ मिल गई है। हाँ जी, मैं आपको कह रही थी कि मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, इसका ये एक और ब्रेसलेट है। दिस इज़ बहुत ट्रेंडी है, बहुत ब्यूटीफुल है, आप सब ने देखा होगा। तो ये गाइज ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट इसके साथ आया था और इसके साथ मेरी सिस्टर, ये तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, मतलब ये बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह चैन वाला। और ठीक है, अच्छा मैं यहाँ इसको दिखा रही थी आपको, ये मुझे तो इसके प्राइसेस भी अब याद नहीं है कि मैंने कितने का लिया था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका दूसरा भी दिखा देते हैं आपको, बहरहाल जो मिल रहा है मैं भी फ़िलहाल वो दिखा देती हूँ। ये एक और इयर रिंग्स है, मैं इसका पेयर आपको दिखाती हूँ। ये आप इसको एज अ टीका भी लगा सकते हैं अगर आप लोग के पास चैन वगैरह है। आप लोग बताएं कहाँ कहाँ से, मैं मुझे ज्वेलरी गाइस ज्वेलरी लेने का इतना ज़्यादा शौक है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मैं इसकी सफाई कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीन अप कर लेते हैं चीज़ों को। और ये दीज आर द ब्यूटीफुल इयर रिंग्स, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये मैंने मॉल से लिए थे। एक मिनट, लुक एट द व्यू, कितने खूबसूरत और ब्यूटीफुल ये मेरे एयररिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा ये, और ये मेरे हुक्स, लुक एट दैट, मैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये लाइटिंग ना कभी कभी जस्टिफाइड नहीं करती है, आपको पता है कैमरा रिंग्स की जो बारी है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम अपने आपको एयररिंग कलेक्शंस दिखाते हैं सारे। इस वाले का हमारा जो है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम आपको देख के बताते हैं। हाँ जी गाइस, तो बस यही होता रहता है, यही चलता रहता है। एक ये एयररिंग है, इसका भी दूसरा पेयर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये भी मैंने मॉल से लिए थे। आपको पता है मुझे ज्वेलरी जमा करने का बहुत शौक है और एयररिंग्स की तो मैं दीवानी हूँ। और ये देखें, ये आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा चले थे ट्रेंड में, तो ये मेरे ब्लैक ड्रेस के साथ हैं ये। अच्छा इसका हम ये रहा, सो गाइस ये दीज आर द ब्यूटीफुल ज्वेलरी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें गाइस, किसी की भी अच्छी चीज़ें देखा करें ना तो आप प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें। और यहाँ पर मैं ये एक और मेरे हुप्स हैं, तो मैंने कहा सफाई कर लेते हैं सारी चीज़ों की तो मज़ा आ जाएगा, आज आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं इतनी ज़बरदस्त। ये भी एक हुप्स हैं। सो गाइस मेरे पास हर वो ज्वेलरी मिलेगी माशाल्लाह जो ट्रेंड में होती है, ट्रेंडिंग होती है। सो गाइस देयर इज़ इनफ आई थिंक इयररिंग्स। यस, ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। ये देखें यस, किस किस ने ये जो है किस मतलब एयर कफ्स किस किस के पास हैं, तो मेरा ख्याल है जो आजकल जो लड़कियां होती हैं ज़रा थोड़ा फैशन वगैरह अडॉप्ट करती हैं, तो आई थिंक ये एयर कफ्स उनके पास होना ज़रूरी है। बहुत प्रिटी लगते हैं, जब बहुत डिसेंट लुक आती है जब आप, मगर आपने अगर इसे पहनना है तो जस्ट
एक मतलब एक ही ईयर में पहनना चाहिए आपको, मतलब कि आप ये नहीं कि आप दोनों में एक साथ पहन लें। तो ये है मेरा, यहाँ रख देते हैं इसको। कितने कोई खूबसूरत लगते हैं ना ये, ना पता है इधर मुझे लग रहा है इतने वो नहीं हो रहा, लेकिन देखिए शाइन माशाल्लाह, मेरी ज्वेलरी की शाइन वैसे ही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें 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 ये वाले इयररिंग्स देखें माशाल्लाह, ठीक है। यस, तो मैं आपको और इयररिंग्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या खिचड़ा पकड़ा बनाया हुआ है। हाँ जी, ये देखें आपके पूरा बॉक्सेस में मैंने, इसमें तो मैंने इयररिंग्स रखी। और ये है मेरा एक खूबसूरत सा बैंगल, लुक एट दैट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ओह माय गॉड, ये देखें करीब से देखें, पूरा स्टोन्स लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें, लुक एट द शाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट लुक्स नाइस। सो गाइस, आपको और दिखा देते हैं। हाँ जी, इयररिंग्स दिखा देते हैं आपको, ये वाले, ये मैंने लास्ट ईद पर लिए थे, आप सबको दिखाए होंगे। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत प्रिटी हैं गाइस, बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी। आप देख भी सकते हैं मैंने किस मैस तरीके से अपनी ज्वेलरी रखी है, बट क्या करें लड़कियां, तो बस आज मैंने कहा इसकी सफाई कर लेते हैं, सारा मैस जो है वो हम ठीक भी कर लेंगे, चीज़ अच्छी तरीके से रख भी देंगे और आपको दिखा भी देंगे। और ये दूसरे ब्यूटीफुल झुमकास ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये मैं ठीक तरीके से मेरे एक हाथ से पकड़ी हूँ ना कैमरा, सो गाइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट दीज आर द सुपर्ब ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिखा देती हूँ, ये देखें, ये कैजुअल वेयरिंग भी कर सकते हैं आप इसको, पार्टी वेयर भी है। सो मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह हर तरीके की आपको जो है वह ज्वेलरी दिखेगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। मेरे ये एयर कप्स यहाँ रख देते हैं। और जी, और क्या है, क्या ये एनवलप तो खाली हो गया। दूसरी चीज़, हाँ जी, अच्छा यहाँ आपको पेंडेंट दिखा देती हूँ। ये तो मैंने कभी पहना ही नहीं है। देखें आप गाइस, ये जो ये वाला एयर का ये जो है ना, और यहाँ पे मेरी भतीजी देखें किस कारनामों में लगी हुई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। बहरहाल मैं ये आपको दिखा रही थी, ये देखें, ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, ये ज़बरदस्त लगता है। ये देखें आप, ये इतना कोई अच्छा है, मतलब मैं इसको किसी भी ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकती हूँ, वेयर कर सकती हूँ। इतने सारी चैन, ये बड़ा डिसेंट सा लुक आता है। ये लुक है इसकी, दिख रहा होगा आई थिंक। अच्छा, ये मेरी खूबसूरत सी चैन, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप मैं किस तरीके से रखी हुई है। ये देखें, ये डबल नेक चैन, डबल चैन होती है ना, वैसी चैन है गाइस। बड़ा ही डिफ़िकल्ट है ये लाइक मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी हुई खूबसूरत लग रही है ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ना मेरे से खुल नहीं रही है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये मेरे से अभी इस वक्त खुल नहीं रही है, थोड़ी सी ये ना इसमें फंस जाती है, जब भी मैं इसे वेयर करती हूँ। देखिए इतना प्यारा है ये, माशाल्लाह। ये मेरी डबल चैन है, इसमें एक येलो कलर में नग है और एक पर्पल नग है। ये डबल चैन है, ये ना ठीक से दिख नहीं रही है अभी, क्या करूँ बस। देखें आप समझ जाएं कि ये किस तरीके से आती है, मेरी कोई पिक्चर भी नहीं है ना, अगर इसमें होती मैं आपको दिखा देती। ये डबल चेन ना यूँ होती है, ये थोड़ा सा नगे वाला यहाँ जाता है और ये यूँ इस तरह से, ये इस तरह बारीक सी हाफ नेक चेन है। और जी गाइस, अब आती है बारी हमारी रिंग्स की। तो गाइस, ये हैं हमारी सारी रिंग्स और मैं आपको अपनी रिंग्स दिखाती हूँ। दीज आर माय रिंग्स, दिस इज माय रिंग आल्सो, ठीक है। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट रिंग है, मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। दिस इज टू मच डिफिकल्ट गाइस, ये देखें, ये मेरी ब्यूटीफुल सी रिंग, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी। सो मैं बहुत पहनती हूँ इस तरह की स्टोन वाली रिंग्स जो हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए तब कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये रिंग्स हमने उतार दी, ये ब्लू स्टोन्स में है एक, ये बहुत मेरी फेवरेट है एक, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है मुझे वाली रिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही हाथ पे है। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है,
सुपर माशाल्लाह। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा ये है, ये मैंने चेस वैल्यू से ली थी। ये बाकी सारी मेरी मॉल्स की रिंग है, ये मैंने मॉल्स से ली है, ये सब मैंने जो है वो मॉल्स की रिंग्स हैं मेरी, ठीक है, सुपर वाली रिंग्स हैं। और ये देखें, ये भी मैंने मॉल से ली थी। और ये एक खूबसूरत सी अच्छी सी रिंग है, ये देखें, ये मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। देखें, दीज आर सुपर गाइस। और ये लास्ट वन देखें, सारी ज़्यादातर स्टोन्स वाले रिंग मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सी रिंग्स मेरे पास हैं ही नहीं। अच्छा इसमें देख लेते हैं, ये देखें कहाँ कहाँ मैं अपनी ज्वेलरी डाल देती हूँ, मेरी नॉर्मल वेयरिंग की हैं ये, मैं ये जितनी भी ज्वेलरी है ये सब मेरी वेडिंग वगैरह में पहनने के लिए लेती थी, ये मेरी कैजुअल है, ये मैं वेडिंग पे पहन लेती हूँ, और ये सब पार्टी वेयर है, ये देखें आप, ये सब पार्टी वेयर है। और ये वाली, और आप लोग भी बताइएगा आपको कौन से एयरिंग्स अच्छे लगे, ये मेटल्स के हैं, ये भी मेटल्स के हैं, तो ये कैजुअल वेयरिंग है, ये कैजुअल वेयरिंग है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट चुमकास है। सो दिस इज़ और ये दोनों जो है बहुत मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जी यहाँ देखें ये और क्या पड़ा हुआ, ये मैंने कभी पहने ही नहीं है, आपको पता है, ये एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये वाली तो ज्वेलरी मैंने कभी पहनी ही नहीं है, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं खोल के बैठी हूँ तो मैंने देखा है, ये मैंने कभी पहने ही नहीं, कभी भी नहीं पहने हैं, ऐसे कैसे ही रखे हुए, तो देख सकते हैं आप। और दुकान लगा ली है मैंने, ओहो मेरा ये वाला एयरिंग से कहाँ गया, मुझे नहीं मिल रहा गाइस। ये एक ये भी एयरिंग है, इसका दूसरा वाला ढूंढती हूँ, यहीं होगा, कहीं नहीं जाता, मेरे बॉक्स में ही पड़े होते हैं। हाँ हाँ, आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, इंटरेस्टिंग सी, इसलिए नहीं मिल रहा। ये देखें, ये मेरी हरकतें देखिए आप, ये देखिए मैंने पैसे कहाँ रखे, तो नहीं मेरा वाला एयरिंग कहाँ गया यार, इसमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये आपको अच्छी चीज़ दिखा देती हूँ, ये देखें मेरी हैंड्री के साथ, ये देखें ज़रा। सो गाइस ये देखें, ये है माथे पे जो लगती है ना हमारी, उसे उस तरह की माथा पट्टी टाइप, ये बहुत बारीक सी है, मैंने मिलेनियम मॉल से ली थी और ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ यस, ये देखें करीब से भी देख सकते हैं आप लोग। अच्छा आपको पता है यहाँ पे मैंने ना ये एयर रिंग्स लगवाया था उससे, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी, ये तो मुझे मिल गई थी लेकिन ना ये इसकी बिंदियाँ नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने कहा आप इसमें काम करें, आप इसमें ना कोई एयर रिंग लगा दें, तो ये उन्होंने मेरे कहने पे कस्टमाइज़ कर दी थी, तो ये बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी। अरे यहाँ पर हैं मेरे छोटे से हूप्स, तो ये देखें मेरी, बस आई थिंक दैट्स इट गाइस। ये है मेरी वॉचेस, ये मेरी वॉच, और ये तो अम्मा उम्र पे से लेके आई थी लेकिन तो ख़राब हो गई थोड़ी बहुत, ये है मेरी वॉच और कुछ नथिंग एल्स। सो दैट इज एंड टुडे दैट्स guys, so guys that's it today, so these are my jewelries and look at the beautiful jewelry, mashallah ज़रूर कहना है क्योंकि guys आप सबको पता है कि लड़कियों की फेवरेट चीज़ जो होती है वो ज्वेलरी होती है और जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। सो guys ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या अच्छा लगा आपको। तो ये मिलेगा तो ये भी रख लेंगे, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी संभाल के अपनी ज्वेलरी रखी है, ये सारे इयररिंग्स, दीज आर माई मोस्ट फेवरेट इयररिंग्स एवर एंड एवर, मुझे बहुत पसंद है, दीज आर द हूप्स। कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें से कभी पहनी ही नहीं है, जैसे कि मैंने ये नहीं पहनी है और एक दो चीज़ें और हैं जो मैंने नहीं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको मेरी चमचमाती हुई माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, चमकती हुई ज्वेलरी आप सब ने देखी होगी। सो गाइस
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।